भाई ये भी नहीं होने का प्रॉब्लम यार, क्या है ये? अबे नॉक। तो भाई आज तक तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक नियोनिक्स पवन का गेम प्ले देखा होगा, लेकिन आज मेरे ही नाम को कॉपी करके एक बंदा आता है मेरे ही मैच में, और वो भी फुल रहीस होता भाई। इस पे भी लैम्बो होती है एकदम महंगी वाली, मैं पता तब भी सस्ती वाली। इस वाले बंदे में ब्लड रेवन पता नहीं कितनी कितनी एक्सूट थी, लेकिन मैं अपने लैम्बो के पास पहुंचता हूं, और पहुंचते के साथ ही मुझे पहले तो उसका नाम नहीं दिख रहा था, जब ये गेम में आता है और जब मेरे को मारता है तब पता लगता है भाई ये तो मेरे ही नाम जैसा है। और सही बता रहा हूं, आखिरी तक देखना इसको, बहुत गंदा मारने वाले। और साथ ही जैसे मैं अपने लैम्बो निकाल के ले आता हूं, ये भी बंदा अपनी लैम्बो निकाल के लाता। मुझे लगता है सस्ती वाली लैम्बो होगी या पिछले वाली मैक्लेरन होगी, लेकिन भाई जब मैं देखता हूँ तो देखते ही रह जाता। और यहाँ पे देखो भाई, अबे फेरो भी है इस पे, भाई पोसाइडन भी है, ये नया वाला भी है। बोसड़ी के इतना रही से। अबे गाड़ी भी है, महंगी। देखो इस बंदे का नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और ये वाले सर्कल में ना बहुत जल्दी हमें उतरना होता है, तो जैसे हमारा नाम आता है आरपी का स्टार्ट होते के साथ मैं जंप कर जाता हूँ, क्योंकि बहुत क्लोज आ गए थे हम, तो मैं फटाक से जंप कर जाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस बार प्लेन पे मेरा नाम नहीं बल्कि मेरा ही आएगा, लेकिन होगा कोई और। मतलब मेरे नाम से भी नहीं, मेरे नाम से भी ऊपर वो बंदे का नाम था उस आरपी, उसकी इतनी ज्यादा मैक्स थी कि वो मेरे से भी ऊपर आया। साथ ही इसकी लैम्बो यहाँ से जाते हुए दिख जाते, तो मैं तो समझ जाता हूँ पहले ऑर्ड्रॉप पे ही आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले ऑर्ड्रॉप पे बहुत ज्यादा बंदे आते हैं। तो मैं भी इसी मतलब ऐसे फिराक में कूद जाता हूँ कि भाई अब जो ये बंदा यहीं पीटूंगा इसे मैं। लेकिन 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 इसे मारने से पहले, एक बार नीचे उतरने से पहले, सबके सब लाइक वाले बटन पे दबाओ। लाइक एम रखते हैं 20,000, और वो भी लाइक तुम अभी मत करना, मैं चाहता हूँ जब मैं इस बंदे को मारूं भाई एकदम से सबके सब लाइक दबाना, और लाइक एम है 20,000। खैर यहाँ से लूटते थोड़ा बहुत, और मेरे टीममेट थोड़ा अलग लूटने चला जाता है, लेकिन जैसे इसको मारता तब मेरे को पता लगता है कि भाई ये बंदे का नाम भी मेरे ही जैसा है। मेरे जैसे छोड़ो, इस पे मेरे से भी तगड़ी तगड़ी स्किन्स है, भाई पता नहीं कौन कौन सी स्किन्स कार सब है भाई, मैं तो वैसे ही डर जाता हूँ। खैर यहाँ जैसे आ जाता हूँ मैं, भाई ये भी नहीं होने का प्रॉब्लम यार, क्या है ये, कितनी कॉपी बनेगी? और भाई यहाँ पे मेरा टीममेट इसलिए चिल्लाता है नॉक, क्योंकि उसको लगता है कि मैं नॉक हो गया, लेकिन अब जब वो मेरे को देखता तो मैं एक्चुअली में नॉक नहीं होता, होता ये वाला बंदा नॉक है। तो भाई एक बार तो ओपी स्पैम कर दो नीचे कमेंट बॉक्स में, इस बंदे को मैं उसी जगह पे मारूंगा जहाँ पे मेरे को टीममेट को इसने पूरा फिनिश दिया। और मुझे मालूम है ये अभी नॉक हुआ है ना, तो इसका दूसरा बंदा आसपास होगा, मैं फिर भी पंगे तो पूरा लूंगा भाई। एंड देखो गाइस, जैसा मैंने बोला था भाई, अगर मैं इसे मारता हूं, लेकिन अभी भी लाइक मत करना जब इसको दूसरी बार मारूंगा। अभी तो खैर वापस से आएगा मुझे लग रहा है यहाँ पे, और ये मेरे को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर मैं इसे दूसरी बार मार देता हूँ तो भाई एकदम एकदम से मतलब लाइक दबना चाहिए। खैर इसकी ही पेटी पे ले जाके इसको ही मारूंगा मैं अब। अब देखो यार, ये जो बंदे को मैंने मार दिया, लेकिन अब फिर से बंदा थोड़ी देर में उतर जाता कहीं और, इस बार यहाँ नहीं आता। एंड मेरे को यहाँ बॉट दिखता है, इसको नॉक देता हूँ। अब मैं बोलता चलो भाई से बाद में फिनिश करेंगे, लेकिन 1, 2, 3 नाम दे। अबे फिर आ गया। और इस बार जो है ना, ये बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है, क्योंकि भाई इस बार जो इसने बंदे को मारा लगातार आते के साथ दो को निपटा दिया। एंड मैं बंदे को बोलता अपने कि भाई बगी लिया, चलते हैं जोर जोर शायद उतरा होगा, क्या पता जोर जोर में ज्यादा बंदे उतरते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे दो बॉट होते हैं, मुझे लगता है एक्चुअली बंदे होंगे, लेकिन दोनों के दोनों बॉट आपस में लड़ने आते, तो मैं फोकट के लिए ऐसा उठा लेता हूँ। लेकिन अभी उस बंदे का अता पता नहीं है, उस बंदे को मुझे ढूंढना था अभी भी कुछ भी करके, तो मैं जोन के एजिस पर ढूंढने चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि जोन के एजिस पे बंदा फाइट वाइट ले रहा होगा, तो यहाँ से बगी निकालते हैं, क्योंकि एक दूसरा ही चांस है यहाँ पे जोर जो में आ सकता था वो बंदा, लेकिन वो तो अलग ही डरपोक निकला, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। लेकिन जैसे मैं डरता हूँ, मुझे लगता है कोई पानी में चला। अबे फील करो, देख रहा हूँ पीछे वाले को। पेड़ पे, पेड़ पे। अब देखो तुम में से जितने बंदों ने लाइक मार दिया मार दिया, लेकिन अभी जितने बंदे देख रहे हो अभी लाइक मत करना। एंड देखो अभी मेरे को पीछे जो बंदा था वो थोड़ा डरावना सा लग रहा था, लेकिन तभी मैं एक और भागी आती है। और भाई इसी के साथ इसके बंदे को मैं उतार देता हूँ, एक और दूसरा तो भाग ही जाता है। एंड
देखो ये क्या कर रहा था, मुझे इससे ही डर लग रहा था क्योंकि अगर हम आगे जाते और ये पीछे से निकल के आ जाता तो हो सकता था मेरी पेटी चमका देता। यहाँ पे जिस बंदे ने मेरे को बहुत देर से डैमेज दिया था वो बंदा आखिरकार बहुत गंदा डैमेज होकर पत्थर के पीछे भाग जाता है। एंड मेरे पास कोई भी चारा मतलब एकदम ऑप्शन था ही नहीं, मुझे इसको मारने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता। तो मैं आगे बढ़ तो लेता हूँ, लेकिन आगे बढ़ते टाइम मेरे को क्या पता था कि भाई ये बंदा इतने खतरनाक जगह पर लेटा हुआ। जैसे मैं आगे जाता हूँ यहाँ से, तभी मैं तुम देखो अभी क्या होने वाला है। अभी मुझे लगा पत्थर के पीछे, लेकिन नहीं, उसने तो एकदम से सरप्राइज अटैक दिया और इजी हेडशॉट, बंदा नॉक। एंड मुझे इसका दूसरे बंदे का बिल्कुल आइडिया नहीं, तो मैं इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ। और इस बार मैं एक और बंदा सामने घर में उतरा। ओ भाई दो बंदे ये बाजू वाले घर में, ऊपर एक, और भाई इसी के साथ ये वाली टीम को भी यहाँ पे हम इजीली खत्म तो कर देते हैं, लेकिन इस बार जो किल था वो मेरे टीममेट को चला गया, तो ये वाले किल को हम नहीं मानेंगे। एंड जैसे हम यहाँ से बगी के पास जाते हैं और निकलते हैं, तभी एक बॉट आता है। इस बॉट को मैं मार के और दिखाता हूँ उस बंदे को। भाई ये देखो, नहीं ये शायद मैंने मारा है यार, इतना कन्फ्यूजन हो रही है कि मुझे पता नहीं लग रहा मैं किसको मार रहा हूँ वो किसको मार रहा है। भाई साहब ऐसे अजीबोगरीब बंदे आए हैं, तुम बस देखते जाओ अभी किस तरीके। भाई साहब फिर इसने मारा, अरे मार किधर रहा भाई, आखिरकार हमसे भी तो फाइट ले ले। दब से एक ही बार मरा है मेरे से और उसका मर ही नहीं रहा मेरे से, और शायद से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा मेरे को देख के भाग रहा है इधर से उधर। तभी मैं एक बंदा ओपन दिखता है, इजी चलती बगी से फिनिश तो देता हूँ। लेकिन अब जो बंदे थे मेरे को ऊपर एक हिल पे दिखता है, यहाँ से देखो आपको भी दिख रहा होगा वहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ है। एंड मेरी टीममेट को देखता ही नहीं है बंदा, तो मैं बोलता भाई क्या कर रहा है, किधर रोक रहा है भाई, उधर बंदा है। एंड मैं बोलता भाई अपने जहाँ पे है वहीं पर बंदा है। ये सामने ले रोजो खेल के ऊपर लेके चला जाता, मैं बोलता भाई क्या कर रहा है यार, पीछे बंदा तुझे दिख ही नहीं रहा वो बंदा। एंड भाई काफ़ी लेट हो चुका था, मारने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अब तुम देखना नाम किसका था यहाँ पे ये बंदा। अब भाई कन्फ्यूजन इतनी क्रिएट हो रही है कि कुछ बंदे घर में भी है। भाई अभी भी मार रहा वो, किधर मार रहा, रुक इसको मैं फिनिश डालता हूँ। लेकिन अब कुछ देर में इसका नाम देखना, ये मैंने मारा है। ओके हाँ ये मैंने मारा है, उधर फाइट होती है बहुत गंदी वाली। एंड उसमें एक एकम से एक बंदे ने उसी बंदे को मार दिया, नियोनिक्स पवन को। अब जो है यार मेरा दिमाग पूरा हिल जाता, मैं बोलता भाई उस बंदे को मैंने मारने का सोचा था, इन्होंने नॉक भी किया और फिनिश भी किया साथ ही के साथ। इनको लग रहा था कि मैं रियल वाले, इन्होंने मारा जिसको वो रियल वाला, लेकिन एक्चुअल में वो फेक वाला था, रियल वाला तो मैं हूँ भाई। मैं भाग रहा हूँ उधर से उधर, और इन बंदों को अगर मैंने मारा तो एक तरह से मैंने नियोनिक्स पवन को मारा, क्योंकि ये बंदे अगर उसको मार सकते हैं तो ये बंदे मेरे को भी मार सकते हैं। तो इनका हम पीछा करते हैं, और ये उसी बंदे की गाड़ी है भाई, इतना महंगा अब तो कंफर्म हो गया भाई, ये मेरे से भी महंगे महंगे बंदे हैं भाई इस गेम में। जो मेरा नाम तो लेके आरपी में कुछ बंदे टॉप पे आ रहे हैं, कुछ बंदे ऐसी रहीसी चमकाते हैं भाई क्या ही बोले। यहाँ पे आते गाड़ी लगी दिखती है, दोनों बंदे घर के अंदर। अब देखो इन दोनों को तो हमने धुआं धुआं उड़ा दिया इनका, लेकिन आप जिस बंदे को मेरे को मारना था नियोनिक्स पवन करके भाई, उसको तो नहीं मार पाया क्योंकि मैंने काफ़ी देर जोर जो गया, कहाँ कहाँ ढूंढा नहीं उसे, लेकिन वो मिलता नहीं और जाके किसी एक नूब के हाथों मर जाता है। तो मैं बोलता भाई ये क्या कर रहा है यार, आखिरकार मेरे हाथों मरता तो भाई कहीं ना कहीं लाइक मिलता मेरे को। लेकिन अगर वो नियोनिक्स पवन को ये दोनों मार सकते हैं तो भाई उनको मैं मार दूंगा तो बात बराबर होगी। खैर यहाँ पे एक बंदा आता है, और आप लोग एक बार लाइक वाले बटन पर मतलब भरमार ला दो। अब इन दोनों को देखो, इसको लगता है कि सामने जो गाड़ी गई है उसमें दोनों हम दोनों ही हैं, लेकिन इसको यही नहीं पता कि मैं इधर ही रुक चुका हूँ, और इजी इधर से एंगल बनता है। एंड तो दूसरा बंदा था वो स्क्वाड उसमें चला गया था, और इसी के साथ मैं भी इस पर चढ़ तो जाता हूँ, लेकिन भाई एक तरह से डर लग रहा था कि भाई ये बंदे मेरे को कैंपर पकड़ के ना मार दे। लेकिन इसको तो हम अलग ही तरीके से मारते हैं, ये सोच रहा होगा कि मरा कैसे, मेरा टीममेट सामने से मार रहा था, ये कवर लेने के चक्कर पीछे देखता ही नहीं, इसको यहाँ पकड़ लेता मैं। एंड गाइस एक बार सब के सब लाइक मार दो, क्योंकि उस बंदे को तो हम मार नहीं पाए, लेकिन एक बार हमने मतलब उसको मारा, पता नहीं इसका टीममेट एक साथ ही पट गया कि कहाँ गए, कुछ पता ही नहीं उनका। अब यहाँ पे उसकी हम गाड़ी तो चला ही रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी गाड़ी अगर हम चला रहे हैं तो हमने ही मारा उसे, क्योंकि देखो जिस बंदे ने उसको मारा था उसको हमने आके मार दिया, तो बात बराबर होगी। और यहाँ पे आते के साथ ही एक बंदे घर में दिखता है, देखते के साथ घर के अंदर भागता है,
मैं बोलता अच्छा जी बहुत तेज नहीं चल रहे, तो मैं बोलता अपने टीममेट को एक काम कर, मैं यहीं रुकता हूँ, तू गाड़ी लेके उसके मुंह पे चल जा ताकि वो कंफ्यूज हो जाए पूरा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, वो इसको मारने देता है, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, इजी हेडशॉट, बंदा फिनिश। एंड इसके साथ ही गाड़ी में बैठते हैं और हम उसकी गाड़ी चला रहे, भाई कितना वो कितना जल रहा होगा भाई, मेरे पे वाली गाड़ी नहीं है लेकिन मैं उसकी गाड़ी चला रहा हूँ, तो स्किल सब है भाई, मार के छीन लो, बात अलग है। खैर यहाँ भी एक बंदा ओपन कपड़ के लिए भागता है, इसका कवर को तो हम ओपन में ही कवर बना देते हैं। खैर इसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ पे और आगे, एंड यहाँ पे एक बगी पड़ी होती है और अभी भी तीन बंदे लाइव हैं, लेकिन इनमें से दो बंदे तुम देखना किस तरीके से मारेंगे इनको। लेकिन इससे पहले मेरे को बगी हटानी पड़ेगी, इसको ये लैम्बो हटानी पड़ेगी, बगी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका फ्यूल भी चला गया था एंड साथ ही इसका धुआं धुआं भी हो गया था, काफ़ी बंदों ने इस पर फायर दिया था। एंड तभी एक डासिया दिखती देर मेरे को आते हुए, बंदे कहाँ हैं लेकिन, बंदा ऊपर है, दो है, हाँ लग गई, चीजें कहाँ हैं। और अब देखो इन सज्जू को क्या लगता है कि मैं नीचे से आने वाला हूँ, तो ये अगर मैं नीचे से आता तो ये भाई आराम से पीटी बना देता। देखो कब बैठा कहाँ था वो बंदा, देखो बैठा कहाँ था। खैर इसका था मैं आखिरी वाले बंदे को मैं ढूंढता नहीं हूँ भाई, देखो एक बंदे को ढूंढने के चक्कर में ना पूरा आधा मैच एक तरफ और इस बंदे को ढूंढने का एक मैच एक तरफ, मतलब इसको इतना टाइम लग जाता ढूंढने में, तो मैं बोलता यार इधर आया, तेरे को नीड मारते, हम दोनों नीड मार के फट जाते, इसको चिकन डेर दे फ्री का। सो इसी हम एक दूसरे को नीड मारते और खत्म करते इस गेम को। सो गाइस अगर मजा आता है तो ओपी स्पैम कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा मूवमेंट आपको सबसे बढ़िया लगा। Let's go. Boom. ये भी सही है।